Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share how you can cover your dark circles very easily step by step. So without any further ado, let's get into the video. दो steps मैं already कर चुकी हूँ. First मैंने अपने face को wash कर लिया है और wash करने के बाद मैंने serum apply कर लिया है. और अब हम बढ़ेंगे अपने third step की तरफ. तो face को जल्दी से करेंगे moisturize. So now अगर आप फेस में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा रहे हो बिफोर मेकअप तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छे तरीके से इवनली ब्लेंड हो जाता है आपके फेस में. मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लैक्मे पीच मिल्क SPF 24. दिस इज़ इन्फ्यूज्ड विद गुडनेस ऑफ पीचेस एंड मिल्क एंड ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है. इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी सूदिंग है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ईजिली आपके स्किन पे ना ऐसे अब्जॉर्ब हो जाता है. सो आई एरिया का जो स्किन होता है ना बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी तरीके से हाइड्रेट करो बिकॉज यू आर पुटिंग कंसीलर एंड कंसीलर कैन मेक योर स्किन ड्राई. ओके, वी आर डन विद द मॉइस्चराइजर. नाउ आई एम यूजिंग दिस आई क्रीम जेल. सो रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस अरोमा मैजिक अंडर आई जेल. सबसे पहले तो ये जो अंडर आई जेल है इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट गिव्स यू वेरी कूलिंग इफेक्ट्स एंड इट कंटेन्स कुकुम्बर एंड एलोवेरा जेल विच एक्चुअली रिफ्रेशेस योर स्किन. एंड ये आपके अंडर आई एरिया के लिए फोर तरीके से हेल्प करता है. फर्स्ट, इट रिड्यूसेस डार्क सर्कल. सेकेंड, ये सूद करता है पफी आईज को. थर्ड, ब्राइटन्स एंड रिफ्रेशेस योर स्किन. एंड फोर्थ, फर्म्स एंड टाइटन्स द डेलिकेट स्किन. एंड आई मेकअप करने से पहले कोई आई जेल या फिर आई क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल जेंटली मैं इसको अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूँ अपने आई एरिया में. और जब हम कंसीलर यूज़ करते हैं तो कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है. तो अगर आपने अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट किया है, प्रॉपर स्किन केयर किया है, तो आपका कंसीलर भी ना बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है. लेट्स वेट फॉर 2 सेकेंड. अगला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है. अगर डार्क सर्कल्स आपके बहुत ज़्यादा डीप है तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हो. कलर करेक्टर एक्चुअली आपके डार्कनेस को ना कैंसिल आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. अगर आपको लगता है कि कलर करेक्टर की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ करो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो यू कैन गो विद दैट. सो इट इज़ अप टू यू अगर आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है तो वैसे मैं कलर करेक्टर नहीं यूज़ करती हूँ. इस वीडियो में जो मैं कलर करेक्टर भी यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो. और कलर करेक्टर के लिए आपको कोई अलग से करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी गुड ब्रांड का आप रेड लिपस्टिक ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पर लिया है ये मसाबा का लिपस्टिक. और इसका जो फॉर्मूला है ना ये भी बहुत अच्छा है. ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, ये मैट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है. तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लिटिल बिट और मैं इसको इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, बस इतना सा. एंड इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. ओके, नाउ यू नीड अ फाउंडेशन जो कि आपके स्किन कलर से मैच करता हो. तो मैंने पिक किया है ये वाला फाउंडेशन एंड दिस इज 128 वॉम न्यूट. ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग वेरी लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन. बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है आपको. इतना थोड़ा सा लिया है कि दिख भी नहीं रहा. एंड एग्जैक्टली इतना ही लेना है. और अब इस फाउंडेशन को इस तरीके से हम डॉट कर लेंगे. दिस फाउंडेशन इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस फाउंडेशन इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है. एंड फाउंडेशन ने एक अच्छा खासा बेस देगा कंसीलर को. नाउ अगेन इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. अगर आप ब्रश यूज कर रहे हो तो ब्रश से भी इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है. इसको ऐसे ब्रश ऑफ नहीं कर देना है, अदरवाइज फिर वो आपका स्किन में ना ऐसे बहुत अनइवन सा लगेगा. तो दिस इज द बेस्ट वे टू अप्लाई आई प्रोडक्ट. यू हैव टू ऑलवेज डैब इट. हम
सो फाउंडेशन इज डन और अब हम यूज करेंगे कंसीलर. तो मैंने लिया है ये वाला कंसीलर जो कि है लॉरियल से. इट्स अ लॉरियल इनफॉलेबल फुल वेयर कवरेज फुल वेयर कंसीलर. इस कंसीलर में जो मेरा शेड है दिस इज 312 एम्बर. कंसीलर हमेशा ऐसा पिक करना है जो वन शेड लाइटर हो आपकी स्किन से. एंड जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आईज. डैप टाइनी डॉट्स ऑफ कंसीलर अंडर योर आई फ्रॉम योर नोज टू द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आईज. इस कंसीलर का जो कवरेज है फिनोमिनल कवरेज है, बहुत प्यारा कवरेज है. ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, ये इतना इजीली स्प्रेड होता है. इट्स मीडियम टू फुल कवरेज, बिल्डेबल है और बिल्ड करने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती. बहुत ही इजीली वन गो में ना एकदम काम खत्म कर देता है. नाउ अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ माई फिंगर. If you have fair skin, apply apricot or peach concealer. And if you are someone whose skin tone is medium, then try an orange concealer. It will work for you best. If you have darker skin tone, you can use darker orange or red concealer. So always pick correct concealer for your skin so that it can work for you and can give you flawless finish. And always go with liquid concealer because stick concealer से acne and breakouts होने के काफी chances रहते हैं. Now concealer लगाने के बाद जो भी edges है उसको even out करने के लिए you can use your brush. Blend in the edges of the concealer until they are no longer visible. If the concealer is still obvious, apply any other desired makeup to the rest of your face and blends again. And make sure to use your brush in a dabbing motion. And now concealer part is done. अभी dark circles तो गायब ही हो गए हैं. मेरा skin uneven लग रहा है क्योंकि मैंने concealer यहाँ लगाया है. Face पे मैंने सिर्फ skin care किया है, कोई foundation नहीं apply किया. But foundation लगाने के बाद ये सारा equal tone में आ जाएगा. So dark circles बिल्कुल ढंग से गायब हो गए हैं. Now last step हम इसको अच्छी तरीके से loose powder से set करेंगे. लूज पाउडर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट मी टेल यू व्हाई. लूज पाउडर ओवर टॉप ऑफ कंसीलर हेल्प्स टू सेट इट इन प्लेस एंड गोज वन स्टेप फर्दर टू इवन आउट स्किन टोन. डस्ट ऑन सम लूज पाउडर एंड ब्लेंड इट वेल एंड इट विल मेक श्योर दैट यू विल गेट नो हार्श लाइन्स. ऑलवेज पिक ट्रांसलूसेंट पाउडर इंस्टेड ऑफ हैवी पाउडर. हैवी पाउडर्स कैन एक्चुअली मेक यू लुक केकी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ टेक्स्चर्ड एंड ड्राई स्किन. Alright, so मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया एंड वी आर डन विद ऑल स्टेप्स. दिस इज हाउ यू कैन कवर योर डार्क सर्कल्स. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विल मीट सून विद अनदर वीडियो. इट्स टाइम टू से बाय.